हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्वीटी और आप देख रहे हो स्पार्कलिंग सोल्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अब स्पेसिफिक पर्सन ना जल्दी अट्रैक्ट होगा। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हम अपनी विश को, अपने स्पेशल पर्सन को कैसे जल्दी अट्रैक्ट कर सकते हैं। हम सारे लोग ना बस ये चाहते हैं कि हमारी विश ना जल्द से जल्द अट्रैक्ट हो जाए, यूनिवर्स ना हमारी ब्लेसिंग्स को फटाफट हमारी लाइफ में भेज दें, और ऐसा ना हमारे साथ हो भी जाता है कई बार। पर कई ना हमारी लाख कोशिशों के बावजूद भी कोई हमारा स्पेशल पर्सन और हमारी स्पेशल विश ना टाइम पर मैनिफेस्ट नहीं हो पाती, और तब हमें ना बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और इस केस में ना गलती कहीं ना कहीं हमारी रहती, हम ही अपने प्रोसेस में ना अपने हजारों विचारों का बोझ ना लाद देते हैं। तो सबसे पहले आपको एक बार रुक के यह चेक करना है कि कहीं आपके मन में आपकी विश के अलावा ये तीन बातें तो नहीं घूम रही हैं। और जब ये तीन बातें आपके मन में घूम रही है ना, तो आपको इन सारी चीज़ों को चेंज करना है, अपने आप को लव के लिए ओपन करना है, और फटाफट से जल्दी से अपने स्पेशल पर्सन को अपनी लाइफ में ना अट्रैक्ट कर लेना है। हो सकता है आप अपने प्रोसेस को डन कर रहे हो, पर कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर ये बात घूम रही होगी कि मेरा स्पेशल पर्सन ना मान नहीं रहा है या नहीं रही है, उससे मेरी बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई है, उससे मेरी ना बातचीत बंद हो गई है। जब ये सारी बातें आपके मन के अंदर, आपके माइंड में घूम रही है ना, तो इन विचारों के बोझ से ना आपने अपने प्रोसेस को दबा दिया, और जिस वजह से ना यूनिवर्स के लाख चाहने के बावजूद भी ना आप अपने आप को लव के लिए ओपन नहीं कर पा रहे, क्योंकि मन के अंदर ना कहीं ये सारी बातें दबी हुई हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि आप अपने लव को अट्रैक्ट तो कर रहे हो और ये सारी बातों को तो सोच रहे हो, पर इसके अलावा ना आप एग्जैक्टली यूनिवर्स को बता नहीं रहे हो कि आप अपनी विश में क्या चाहते हो। मतलब आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को अट्रैक्ट तो करना चाहते हो, पर क्या चाहते हो ये भी तो बताओ। मतलब जो लोग अपने स्पेशल पर्सन को, अपने स्पेसिफिक पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो सीधे सीधे यूनिवर्स को या तो ये बता दें कि हम अपने स्पेसिफिक पर्सन के साथ शादी करना चाहते हैं, या हम अपने स्पेसिफिक पर्सन के साथ लविंग रोमांटिक रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, या हम अपने स्पेसिफिक पर्सन की नज़रों में अपनी वैल्यू और रिस्पेक्ट बढ़ाना चाहते हैं। ये तीनों केस एक दूसरे से अलग है, पर कहीं ना कहीं ये तीनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं आपके स्पेसिफिक पर्सन से। जब आपकी क्लियर विश होगी, जब आप पूरी तरह अपनी विश पे क्लियर रहोगे ना, तब उन चीज़ों को अट्रैक्ट करना ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ना इजी हो जाएगा। आपको ये बोलना शुरू करना है कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मैं अपने स्पेसिफिक पर्सन के साथ एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और लविंग रिलेशनशिप में खुश हूँ। और दूसरा पॉइंट उन लोगों के लिए ना, जो लोग अपने स्पेसिफिक पर्सन के साथ शादी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ना, तो उन्हें प्रेजेंट टेंस में अपने आप को ये बोलना है और ये अफर्म करना है कि मैं शादी करके अपने स्पेसिफिक पर्सन के साथ ना एक बेस्ट लाइफ जी रही हूँ, और वो ना मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। जब आप अपनी विश को पूरी तरह क्लियर रखोगे और जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए उन चीज़ों का बोझ अपने प्रोसेस में नहीं डालोगे, और पूरी तरह अपनी विश को पकड़ के रखोगे ना, और पूरी तरह 110% क्लियर रहोगे, तब आप यूनिवर्स से ना बहुत ही जल्दी अपने स्पेसिफिक पर्सन को ना अट्रैक्ट कर लोगे। आपको उन सारी चीज़ों से ध्यान हटाना है जो चीज़ें आपके मैनिफेस्टेशन को रोकती हैं, और आपको अपना सारा फोकस ना उस जगह ले आना है जो चीज़ें आपको आपके स्पेसिफिक पर्सन से जोड़ती हैं और अट्रैक्ट करने में ना मदद करती हैं। आप पूरे दिन जब नेगेटिव बातों को सोचोगे और पूरे दिन जब अपने स्पेसिफिक पर्सन के बारे में सोचोगे ना, तब विश ना मैनिफेस्ट होने से रुक जाती है। पर जब आप सही थॉट सोचोगे और यूनिवर्स को एग्जैक्टली बताओगे ना कि आपको ये विश क्यों चाहिए, तो बहुत ही जल्दी ना आपके लिए आसान हो जाता है आपके स्पेसिफिक पर्सन को अट्रैक्ट करना। और ये सारी छोटी छोटी चीज़ें ना हमारी विश को कैसे जल्दी अट्रैक्ट कर देती है ना, ये हम सोच भी नहीं सकते। सो गाइज, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।